प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है विशेषण। आज हम विशेषण का तीसरा भेद पढ़ेंगे, परिमाण वाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमाण वाचक विशेषण होता क्या है, परिमाण वाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर परिमाण वाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमाण वाचक विशेषण का पहला भेद, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते किसे हैं, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होता क्या है। तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की नाप तोल संबंधी निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा निश्चित परिमाण वाचक विशेषण समझाया गया है। पहला उदाहरण है मुझे 2 किलो शक्कर दो। हमने परिभाषा में पढ़ा है कि वे विशेषण जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पहला उदाहरण है मुझे 2 किलो शक्कर दो। शक्कर यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इस शक्कर को हम नापते और तोलते हैं। हम तोल कर ही इसकी निश्चित मात्रा का बोध करते हैं। तो शक्कर को तोला जाता है, तो शक्कर यहाँ पर संज्ञा है। इसकी नाप तोल संबंधी विशेषता क्या है, 2 किलो। तो यहाँ पर संज्ञा की निश्चित नाप का या तोल का बोध हो रहा है कि शक्कर कितनी चाहिए, 2 किलो। तो शक्कर की निश्चित मात्रा क्या हुई, 2 किलो। और शक्कर यहाँ पर संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है कि इसकी मात्रा 2 किलो है। तो यहाँ पर शक्कर की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, यहाँ पर शक्कर की निश्चित तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे 2 किलो शक्कर दो, ये वाक्य है वो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर शक्कर यहाँ पर संज्ञा शब्द है, इसकी निश्चित तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं अब दूसरा उदाहरण, रमेश को 2 मीटर कपड़ा दो। रमेश को कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा दो। तो कपड़ा यहाँ पर संज्ञा शब्द है, कपड़ा यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। और इस संज्ञा की विशेषता क्या है, 2 मीटर। कपड़े को नापा जाता है, कपड़े को तोला नहीं जाता है, कपड़े को नापा जाता है। तो यहाँ पर कपड़ा जो संज्ञा है इसकी नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। तो कपड़े की निश्चित मात्रा क्या है, निश्चित मात्रा है 2 मीटर। और कपड़ा यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ा संज्ञा है और इस संज्ञा की निश्चित मात्रा क्या है, निश्चित नाप संबंधी
मात्रा क्या है या निश्चित नाप संबंधी विशेषता क्या है? तो 2 मीटर। तो यहाँ पर संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाण परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमेश को 2 मीटर कपड़ा दो, ये वाक्य है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। तो वे विशेषण जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर तो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वो तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम की नाप तोल संबंधी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर शक्कर व कपड़े की निश्चित मात्रा का निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है या निश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है या निश्चित नाप तोल संबंधी मात्रा का बोध हो रहा है इसलिए ये वाक्य हैं, मुझे 2 किलो शक्कर दो और रमेश को 2 मीटर कपड़ा दो, ये वाक्य हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझाया गया है। जैसे कि पहला उदाहरण है मुझे थोड़ा सा नमक दो, मुझे थोड़ा सा नमक दो। तो नमक यहाँ पर क्या है? संज्ञा शब्द है और थोड़ा सा ये इसकी थोड़ा सा शब्द है, इससे नमक की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। नमक की निश्चित मात्रा नहीं है कि नमक 100 ग्राम दो या 50 ग्राम दो या 1 ग्राम दो या 2 ग्राम दो। तो नमक को तोला जाता है, नमक को क्या है? तोला जाता है। तो तोलकर हम नमक को देते हैं तो इसकी नमक की तोल संबंधी अनिश्चित तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। मुझे थोड़ा सा नमक दो, तो थोड़ा सा यहाँ पर नमक की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। थोड़ा सा कोई निश्चित मात्रा नहीं है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा ही होता है, चाहे हम उसे 1 किलो दें जब भी थोड़ा सा है, 2 किलो दें जब भी थोड़ा सा है, 10 किलो दें जब भी थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा यहाँ शब्द है, ये अनिश्चित मात्रा नवक की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। इसलिए थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा नवक दो, ये वाक्य है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर नवक की अनिश्चित नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर नवक की अनिश्चित तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा नवक दो, ये वाक्य है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं दूसरा उदाहरण, थोड़ा पानी और डालो, थोड़ा पानी और डालो। तो पानी यहाँ पर क्या है? संज्ञा है और थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पर पानी की मात्रा है। पानी यहाँ पर संज्ञा है, ये थोड़ा ये पानी की, पानी को हम क्या करते हैं? नापते हैं। पानी, दूध, डीजल, पेट्रोल, ये क्या है? इनको तोला नहीं जाता, इसको नापा जाता है। तो यहाँ पर पानी की नाप संबंधी विशेषता का बोध है हो रहा है, पानी की नाप संबंधी अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि थोड़ा पानी और डालो, यानी कि थोड़ा अनिश्चित मात्रा है, यहाँ पानी की क्या है? अनिश्चित मात्रा है। यहाँ पानी की निश्चित मात्रा नहीं है कि मुझे 2 लीटर पानी दो, मुझे 1 लीटर पानी दो। तो यहाँ पर अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा का अर्थ होता है थोड़ा सा,
हम एक लीटर भी दें तो भी थोड़ा सा, दो लीटर दें तो भी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा पानी और डालो ये वाक्य है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं तीसरा उदाहरण, मुझे कुछ चावल दो, मुझे कुछ चावल दो। तो चावल यहाँ पर संज्ञा शब्द है और कुछ यहाँ पर चावल की मात्रा है, कुछ यहाँ पर चावल की मात्रा है जो अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो मुझे कुछ चावल दो, यहाँ पर चावल की अनिश्चित तौल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे कुछ चावल दो ये वाक्य है वो अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है। आपको ये ध्यान रखना है कि परिमाण का अर्थ होता है नाप या तौल, जिसको नापा और तौला जाता है उसे परिमाण कहते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि परिमाण वाचक विशेषण की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो आपको ये परिमाण से अर्थ लगा लेना है कि ये हम वो उदाहरण देंगे जिसमें संज्ञा व सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो, वो परिमाण वाचक विशेषण होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल से संबंधित। इस तरीके से आज हमने परिमाण वाचक विशेषण का विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, क्योंकि इस तरीके का विवरण आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।